जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है, जो पसीने से नहाएगा दोस्तों वो पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है, पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। वेलकम टू द माय चैनल अमित कुमार गोला। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, एंड घंटी को दबाएं एंड रीड नाउ बुक। अपने पूरे करियर और अपनी पूरी लाइफ में हम जिस चीज का सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो है हमारा ब्रेन, और एक इंसान का ब्रेन ही उसे एक अचीवर या एक एवरेज परफॉर्मर बनाता है। फर्क बस इतना है कि एक अचीवर को अपने ब्रेन से बेस्ट परफॉर्मेंस लेने के लिए कुछ रूल्स के बारे में पता होता है, जबकि एक एवरेज परफॉर्मर इन रूल्स को फॉलो करने की कोशिश ही नहीं करता। और आज इस वीडियो में हम उन 12 साइंटिफिक रूल्स के बारे में बात करेंगे जिनको यूज करके आप अपनी पढ़ने की या काम करने की परफॉर्मेंस को कई गुना इंप्रूव कर पाओगे। तो आइए जानते हैं कि ये 12 रूल्स कौन से हैं। रूल नंबर 1, हमारा दिमाग एक ऐसा सर्वाइवल ऑर्गन है जो वक्त के साथ इवॉल्व हुआ है। आज से हजारों साल पहले जब इंसान कई खतरनाक जानवरों के बीच जंगलों और खुले मैदानों में रहते थे, तब वो उन बड़े जानवरों जैसे ताकतवर तो नहीं थे, पर उनका दिमाग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था, और लगातार अपने आसपास के अनस्टेबल एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के रास्ते ढूंढना ही एक इंसान के दिमाग का मेन काम था। एंड हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि एक ताकतवर बॉडी नहीं बल्कि एक ताकतवर दिमाग ही हमेशा सर्वाइव करता है। एंड इसी वजह से हम इंसानों की प्रजाति कई बड़े जानवरों के मुकाबले अपने वंश को आगे बढ़ाने में सबसे कामयाब रही। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, अपनी गलतियों से सीखते रहना और दूसरे इंसानों के साथ टीम बनाकर काम करना ही हमारे दिमाग की मेन ताकत है। और इसी तरह एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाकर एंड अपने दिमाग की इन क्वालिटीज का यूज करके देखते ही देखते इंसानों ने दुनिया पर राज करना शुरू कर दिया। फिर वक्त के साथ इन क्वालिटीज की वजह से हम इंसानों का दिमाग इवॉल्व होते रहा, और आज भी एक टीम बनाकर किसी कॉमन गोल पर काम करना, लगातार प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना और अपनी गलतियों से सीखना एक स्ट्रॉन्ग ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। रूल नंबर 2 है कि एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन की पावर कई गुना बढ़ जाती है। आपने ये नोटिस किया होगा कि लोग जब किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सोच रहे होते हैं तो वो उठकर चलने लग जाते हैं, और कई बड़े CEOs जैसे कि सुंदर पिचई का भी ये कहना है कि वॉक करते वक्त उनका दिमाग बेटर डिसीजंस ले पाता है। इसकी वजह यह है कि हम शुरू से ही ऐसी कंडीशंस में इवॉल्व हुए हैं जहां हमारा शरीर कॉन्स्टेंट मोशन में रहता था, और इसी वजह से आज भी जब हम मोशन में रहते हैं तो नेचुरली हमारे दिमाग की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की पावर बढ़ जाती है। एंड वैसे तो हमारा ब्रेन कई किलोमीटर्स डेली चलने के लिए बना है, पर अगर हम हफ्ते में सिर्फ 3 दिन 30 से 40 मिनट कोई एरोबिक एक्सरसाइज भी करें तो हमारे ब्रेन की पावर कई गुना बढ़ सकती है। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि एक्सरसाइज करने से ब्रेन में ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचता है, जिससे ब्रेन को एनर्जी और ग्लूकोज मिलता है, एंड यही ग्लूकोज और ऑक्सीजन ब्रेन में मौजूद टॉक्सिक इलेक्ट्रॉन्स को खत्म करने के काम आता है, जिसके बाद आपकी मेंटल शार्पनेस और क्लियरली सोचने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। रूल नंबर 3 कहता है कि आप किस चीज पर कितना अटेंशन दे पाते हो यह आपके पास्ट और पिछले एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करता है। अगर किसी भी चीज से कोई इमोशन, थ्रेट या कोई सेक्सुअल फीलिंग लिंक्ड है तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस चीज पर अटेंशन देने लगता है। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि ज्यादातर एडवर्टीजमेंट्स किसी इमोशन, किसी थ्रेट या ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने वाली फीलिंग के अराउंड ही बनाई जाती है। एंड सिर्फ यही फीलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन कुछ इसी तरह इवॉल्व हुआ है, एंड यही रीजन है कि कुछ स्पेसिफिक सवालों पर हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा अटेंशन देता है, जैसे कि क्या मुझे ये खाना चाहिए, क्या मुझे इससे डरना चाहिए, क्या मुझे ये पसंद है, एटसेट्रा। एंड इन कॉमन फीलिंग्स एंड क्वेश्चंस के अलावा आप किस कल्चर में रहे हो, आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये डिसाइड करता है कि आपके लिए कौन सी चीज बोरिंग होगी और कौन सी इंटरेस्टिंग। और अगर आप भी किसी चीज पर अटेंशन देना चाहते हो पर फिर भी वो चीज आपको बोरिंग लगती है, तो इसका मतलब ये है कि उस चीज के साथ आपका कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है, या फिर आपका पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कि वो चीज आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही। रूल नंबर 4 है स्टिमुलेट मोर सेंसेस। हमारी सारी सेंसेस साथ मिलकर काम करने के लिए बनी है, पर स्मेल एक ऐसी सेंस है जो आपके ब्रेन को तुरंत स्टिमुलेट करती है, एंड स्मेल का कनेक्शन डायरेक्टली आपकी मेमोरी के साथ होता है। कई बार आपने ये नोटिस किया होगा कि कैसे कोई स्मेल तुरंत आपको या तो किसी इंसान की याद दिला देती है या उस स्मेल से जुड़े किसी पास्ट मोमेंट के फ्लैशबैक में ले जाती है। एंड इस स्मेल ब्रेन कनेक्शन का मार्केटिंग एंड सेल्स में बहुत यूज किया जाता है। एक रिटेल एक्सपेरिमेंट के दौरान एक चॉकलेट वेंडिंग मशीन पर चॉकलेट की फ्रेग्रेंस स्प्रे करी गई, एंड उसके बाद ये देखा गया कि चॉकलेट की सेल्स पहले से 50% बढ़ गई। और इसी स्मेल ब्रेन कनेक्शन की वजह से कई थेरेपीज में भी ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए कुछ सूदिंग फ्रेग्रेंसेस का यूज किया जाता है। रूल नंबर 5 है रिपीट टू रिमेंबर।
हमारा ब्रेन किसी भी नई इन्फॉर्मेशन को ज्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी हमारे ब्रेन को कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वह पहले हमारे ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट बनती है, जो कि 30 सेकंड तक मैक्सिमम 7 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ही स्टोर कर सकता है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी से किसी भी इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी तक भेजने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, उसे बार बार रिपीट करना। रूल नंबर 6 है, स्ट्रेस ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, सो आओ इसे डिटेल में समझते हैं। कई बार जब आप स्ट्रेस्ड होते हो तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो जाती है, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए रहने वाला स्ट्रेस आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी और फोकस देता है, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपेटिटिव स्पोर्ट्स खेलते वक्त। पर अगर यही स्ट्रेस ज्यादा लंबे समय तक रहे तो ये आपके ब्रेन को चेंज करने लगता है। होता यह है कि जब आप स्ट्रेस्ड होते हो तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो कि आपकी बॉडी को इंस्टेंट एक्शन लेने के लिए एक्टिवेट और चार्ज कर देता है। पर आपके ब्रेन का वो हिस्सा जो आपकी लर्निंग, मेमोरी एंड आपको स्ट्रेस कंट्रोल करने की एबिलिटी देता है, जिसे कि हिप्पोकैम्पस कहते हैं, ये इस हार्मोन को कुछ ही लेवल तक टॉलरेट कर पाता है। एंड उसके बाद कॉर्टिसोल लेवल के ज्यादा बढ़ जाने पर हिप्पोकैम्पस ब्रेन को सही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देना कम करने लगता है, जिससे कि फिर आपकी मेमोरी और मोटर स्किल्स वीक होने लग जाती हैं। अब आप किसी भी टॉप अचीवर को देख लो, आप ये नोटिस करोगे कि उन लोगों को स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। रूल नंबर 7 है, म्यूजिक कैन बूस्ट योर कॉग्निशन। रिसर्चर्स ये प्रूव कर चुके हैं कि अच्छा म्यूजिक आपके ब्रेन को ज्यादा स्मार्ट, हैप्पी एंड प्रोडक्टिव बनाता है, और अगर आप खुद म्यूजिक कंपोज कर पाते हो तो ये बेनिफिट्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब आप म्यूजिक सुनते हो तो आपकी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन का लेवल बढ़ जाता है, एंड ये वो केमिकल है जो आपके मूड को अपलिफ्ट एंड आपके सिस्टम को हील करने की पावर रखता है। इसलिए अगर आप ज्यादा स्ट्रेस्ड हो तो आप कोई अच्छा म्यूजिक भी सुन सकते हो। रूल नंबर 8 है, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। पहले की स्टडीज के अकॉर्डिंग सिर्फ 7 अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती थी, पर लेटेस्ट स्टडीज ने यह कंफर्म किया है कि वर्ल्ड में 7 नहीं बल्कि 7 बिलियन से ज्यादा तरह की इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती हैं। इन शॉर्ट, हर इंसान का इंटेलिजेंस अलग है एंड कभी भी दो लोगों का ब्रेन एक जैसा हो ही नहीं सकता, इनफैक्ट दो जुड़वा बच्चों का भी नहीं। पर हमारा करंट एजुकेशन और ग्रेड सिस्टम इस बात को कंप्लीटली इग्नोर करता है। और साथ ही साथ आप कैसे एनवायरमेंट में रहे हो, डेली क्या सुनते हो, क्या देखते हो और कौन सी एक्टिविटीज करते हो, ये सारी चीजें आपके ब्रेन को कंप्लीटली रीवायर कर सकती हैं। रूल नंबर 9 है, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। क्या आपको पता है कि अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को सिर्फ पढ़कर या सुनकर याद करते हो तो 3 दिन बाद आपको इस इंफॉर्मेशन का सिर्फ 10% ही याद रहता है, पर अगर इस प्रोसेस में कोई पिक्चर ऐड कर दी जाए तो 10% की जगह आपको वो इंफॉर्मेशन 65% तक याद रहेगी। तो इसलिए अगर आप किसी चीज को लंबे समय तक याद रखना चाहते हो तो कोशिश करो कि उस चीज या इंफॉर्मेशन को किसी वीडियो या पिक्चर के थ्रू याद करो। रूल नंबर 10, आपकी स्लीप क्वालिटी आपके क्लियरली सोचने की कैपेसिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर आपको लगता है कि रात को सोते वक्त आपका दिमाग पूरी तरह रेस्ट पर नहीं रहता तो एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि स्लीप के दौरान ब्रेन रेस्ट पर नहीं जाता बल्कि वो दिन भर में कलेक्ट की गई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है, और इसलिए ब्रेन की प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छी तरह सोएं। आपकी वर्किंग मेमोरी, लॉजिकल रीजनिंग, मूड और क्वांटिटेटिव स्किल्स आपकी स्लीप क्वालिटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। किस इंसान को कितनी देर सोना चाहिए ये तो उसके एज ग्रुप पर डिपेंड करता है, पर दोपहर को कुछ देर के लिए लेजी फील करना और नींद आना एक बहुत ही नॉर्मल चीज है, क्योंकि दोपहर 3 बजे के अराउंड आपके ब्रेन में नींद लाने वाले बायोकेमिकल्स और जगाए रखने वाले बायोकेमिकल्स दोनों ही बहुत एक्टिव हो जाते हैं, एंड इसलिए आप पूरी तरह सोते तो नहीं पर आप एक नैप लेने की कंडीशन में रहते हो। और एक रिसर्च में ये भी देखा गया, दिखा उतना जितना कि तेरे पास हो, दिखा उतना जितना कि तेरे पास हो और बात उतनी का जिन तेरी औकात हो। दिल की गहराई से प्यार भरा नमस्कार।